हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस, आपको हेलो है और मेरे को बाय है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अयोध्या। राम मंदिर भी देखने जा रहे हैं, वो आपने सोचा होगा एकदम से अयोध्या सुन के, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे फ्रेंड है दिवे, जिसको हम छोटे छोटे बोलते हैं, ब्लॉग में बहुत बार दिखा होगा, ठीक है, उसकी है सगाई। तो हम जा रहे हैं अयोध्या, उसके गाँव, उसकी सगाई में मजे करने, ठीक है। सगाई है कल की, अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, मंडल आने वाला है और हम रेडी हो गए हैं। हमने अपने बैग मंडल आ रहे हैं और हम लेट होने वाले। देखो, हमारी है 8:25 की ट्रेन और 6:30 हमारे को यहीं हो चुके हैं। हमेशा लेट, कभी जिंदगी में टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। पैदा भी मैं 5 मिनट लेट हुआ था। चलो अब निकलते हैं और निकल के फिर आप लोगों से मिलते हैं रस्ते में और मजे करते रहेंगे। कंग्रेचुलेशंस टू छोटू, कमेंट कर देना लोगों, और मेरी मम्मी को हेलो नमस्ते कर दो। मम्मी जी हेलो, आपको कैसा लग रहा है मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए? अच्छा। मेरी मम्मी फुल खुश, मम्मी को क्या सोचता है? इसको देख लो, ये गिटार लेके किसी की सगाई में जा रहा है। चल हो भाई, गॉड रुको, जा पैकिंग करने दो। अरे हम लोग पहुंच गए स्टेशन पहुंचते, हमने चालू कर दिया कार वगैरह। ट्रेन हमारी है खड़ी, अब ट्रेन चलने में टाइम है, तब तक हम आराम से ब्लॉग बना लेंगे और कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमें भूख लग रही है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, ये खा के जरा। अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, मैंने ना पुलिस वाले को बुला दिया था वहाँ से। भाई ये गद्दारी कर रहे हो, पुलिस वालों को, मैंने पुलिस वाले को बुला दिया था कि भाई वो ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है अंदर। मैंने बच्चे में बुलाया था, पुलिस वाले ने पेल दिया, बंदा देखो बंदा। हाँ ये जो जा रहे नीली शर्ट में, अबे नहीं चला गया वो, तेरी फिर चढ़ गया वो। गाइस पीपू के सफर मत करा करो यार, ट्रेनों में। गाइस हम खाने के बाद खाने में मिलने वाले थे। अरे तो कंटेंट मिला भाई हमारे को, इतना बढ़िया कंटेंट मिला, क्या बताएं। और भाई साहब बंदे को इतना पेला है ना पुलिस वाले ने, इतना पेला है, मजा आ गया। ये भी पिटका, मैं ये कह रहा था पीऊंगा, मैंने मना करवा दिया इसको। भाई हम डब्बे में उल्टा जा रहे हैं, हम जंगल देखने जा रहे हैं। अरे भाई फिर चलना अपने डब्बे के, वहीं खड़े होते हैं फिर बस। अब खाने में मिलेंगे सीधा, आप कुछ भी हो जाए, किसी की भी लड़ाई हो जाए, मैं कुछ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। वैसे हो गया खाना स्टार्ट, हम खा रहे घर पे खाना। देखो हम लाए हैं चिकन रोटी, वो बेटा बिजू बस। हमने रोटी तो खा ली, चावल खाने के लिए बहनों देख लो हमारा डब्बा ही नहीं खुल रहा बाहर से। पिछले 15 मिनट से लगे हुए हम लोग, 15 मिनट से डब्बा खोलने के लिए। ओए रब्बा, तो मुझे नहीं खाना चाहूँगा। बिजू की बारी, चल बिजू करके देख, रुमाल दे इसको, प्लेट हटा दे सामने से, प्लेट पे लात मारे। चल बिजू चल, चावल ऐसे दिखते हैं पता है, पहली बार चावल की कीमत पता चली है इतनी। खुल गया भाई, खुल गया। फिर चम्मच का हाल देखना, चम्मच गई हो, चम्मच टेढ़ा हो गया। अब खाते हैं, मिलते हैं बाद में दोस्तों। हम पहुंच गए फैजाबाद, फैजाबाद, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कोई लेने आ रहा नहीं आ रहा, अब देखते हैं जरा आगे क्या सीन होता है। कौन क्या, अच्छा ये देख रहा है, ये अभी भी गिटार लेके घूम रहा है बेचारा। क्या जबरदस्त नींद आई है रात को, ट्रेन में भाई साहब आँखें नहीं खुल रही है।
दो पर आ चुकी है। आ गई है, ट्रेन आ गई है। मैं फैजाबाद पहुंच गया। ट्रेन नंबर 1226 दिल्ली जंक्शन 2 अब हो रहा वहाँ पे दिखाऊं वाया अयोध्या शाहगंज कहाँ है तेरा अब हम यहाँ पहुँच गए। अब हम यहाँ पहुँच के क्या करेंगे? अरे ये दूर रुक कहाँ चले गए? इन्हें बोल चाय तो पी लो यार। ओए मंडल मंडल मेरे दोस्त मंडल मेरे दोस्त चाय पी लेते हैं। ओए चाय पी लेते हैं। पुलिस वाला अंकल। हेलो गाइस साहब। अरे गाली दे रहा है। ए जी गाली दे रहे हैं। कहाँ से ताप जाएंगे? ओए ओए तुमको पता है मैं मोटा हूँ। मैं नहीं ताप पाता हूँ। पैर बोंगे हैं हमारे छोटे पैर। ये छोटे पैर वाला है। चलो गाइस हम आपको चाय पीते मिलते हैं। अच्छा और ऑटो कितने में जाना चाहिए तेरे साथ? ज़्यादा मांग रहा है। 400 रुपये बहुत होते हैं यार। 400 रुपये बहुत होते हैं। अगर इन्होंने मेरे को चाय पिलाई होती आज रेलवे स्टेशन पे तो मैं बार्गेनिंग कर सकता था। अब मेरे में जान नहीं है यार। हमारे अलावा और भी बैठा लेना बंदे। हमने कौन सा कितना ब्लॉग मत बना मेरा प्रेशर लागे। सवारी में जल्दी से हो गई है ना। तो ये यहाँ नहीं आ रही रोशनी। यहाँ आ रही है बढ़िया है ना। अगर ये लोग ना ट्रेन में मेरे को चाय पिलाया था ना अभी रेलवे स्टेशन पे इन्होंने मेरे को चाय पे को इन्होंने बोला बाहर जाके देखो चाय पिलाते हैं और ये सीधा ला के पता नहीं क्यों नाका पाका कर रहे हैं। अगर मैंने चाय पी ली होती तो मैं इनसे बार्गेनिंग कर सकता था। मैं 700 से 600 करवा सकता था। या आप सिर्फ सरोजनी कर सकते हो बार्गेनिंग ठीक है। कितने कहाँ ये कहाँ चला गया? इसको क्या दिख रहा है वहाँ पे? आज तो मैं पंजाबी नहीं बोलनी। आज तो मैं 3 दिन तक मैं बोलनी यूपी की भाषा। हमें मरारू चाहिए। हमें ऑटो चाहिए 300 रुपए में। हमें 300 रुपए में ऑटो चाहिए। कहाँ जाना है? कुमारगंज। हमारे हीरो कहाँ? हीरो वाले जाएंगे। डायरेक्ट छोड़ दो। वो कह रहा डायरेक्ट छोड़ खाला भगवान तेरा छोड़ दे कोई हमारे को। हाँ और क्या पाकिस्तान में हमारे तो पापा तो बहुत बार जाते थे। मैं तो कभी नहीं गया। पापा किस लिए जाते थे? दूसरी मम्मी थी ना वहाँ पे मेरी पाकिस्तानी मम्मी। मम्मी वहाँ पे डांस करती थी। मैं झूला बैठी खो चालू करिए ब्लॉग में बना तो मम्मी मार देगी। मम्मी मेरा मुझ बना देगी। सौरभ हमारे पीछे सौरभ बैठे हैं। सच में लग रहा है मेरा घर पाकिस्तान में अभी तक मतलब हम पहुँच में आए थे ना 1947 में वहाँ से तो इसको लग रहा है अभी भी हमारे वहाँ पे है। इसको कुछ और बताता हूँ। लाहौर में अरे लाहौर में रावलपिंडी है ना। रावलपिंडी तो ट्रेन का बता रहा हूँ। रावलपिंडी लाहौर में जगह है वहाँ पे घर है हमारा। तेरे चाचा का लड़का पुनीत। हाँ क्या नाम है? सुपरस्टार है। सुपरस्टार और पुनीत सुपरस्टार वहाँ का बहुत बड़ा स्टार है वो। बोलते बताते हैं कई बार बात होती है ना कि प्याज सब बहुत महंगे है। बरेली में पापा बैठे हैं। बरेली में नहीं पाकिस्तान में। तुम्हारे परिवार के वहीं रह गए थे और क्या? दादा और दादा के भाई आ गए थे और उनका मतलब चाचा और ताया वो वहाँ रह गए थे और पापा साथ आ गए थे। इसके पापा दिल्ली आ गए और ये हो गया और फिर मैं यहीं रह गया। मैं कभी जिंदगी में नहीं गया। कुछ तो होगा ही भाई आए तो। हाँ
अभी नहीं, जमीन जायदाद तो है इसके पास भाई। बस यही है ना, वही वाली बात है कि अब जब वो चले गए थे भाग के, फिर कौन देगा, वो ले ही नहीं सकते हम। ये देखो, ये देखो, इस छोटे से का घर देखो, गाँव में भैंस की भाई कितना बड़ा घर है इसका। पहुंच गए अरे बोल गए, रुको अभी सबसे मिलता, फिर मिलता। कैसे घर पहुंच गए थे हम, वही बंद कर दो, मैं कॉपी राइट आता है। कैसे घर पहुंच गए थे, पहुंच के हमने नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, अब हम थोड़ी देर लेट हैं, फिर हम रेडी होंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, रेडी हो गए, फिर हम जाएंगे सगाई में, ठीक है। अब इसके उसके साथ हम इसका घर भी दिखाएंगे, ये महल जो भी दिखाया मैंने आपको इस ब्लॉग के एंड में, तो बने रहो अगले ब्लॉग में। हाँ जी भाई, क्या करूँ, हाँ पहन रहो, चलो आवाज़ आ गई कपड़े पहनने की। बेटा हाथ छोड़ो, वो तो मधुमक्खी का छत्ता देख रहा, अरे मधुमक्खी का छत्ता देख, मधुमक्खी का छत्ता तो देख, वो मधुमक्खी का छत्ता देखो, तो चलो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।